अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ और आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे से गर्ल्स के मैक्सीज और लॉन्ग फ्रॉक, जिन्हें कहते हैं, बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन का आइडियाज लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये जो वेलवेट के ऊपर आप लोग सितारा देख रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही यूनिक है, और आजकल इसका ट्रेंड भी बहुत चल रहा है। आप लोग चाहें तो अपनी बेबीज़ का इस टाइप के ड्रेसेस स्टिच करवा सकती हैं। इस टाइप के ड्रेसेस ना सिर्फ आप लोग खुद घर में बना सकती हैं, बल्कि आप लोग वेबसाइट से भी बाय कर सकती हैं, और अगर आप लोग चाहें तो इन्हें मार्केट से भी इजीली बाय कर सकती हैं। अपने न्यू और लेटेस्ट डिज़ाइनिंग आइडियाज़ और मज़ीद देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस और उसके बाद ऑल के ऑप्शन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे बेनिफिट होगा कि आप लोगों को डेली के आने वाली वीडियोज़ और उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जो कि हम आप लोगों के लिए डेली की रूटीन पर अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को ये प्यारे प्यारे से बेबीज़ के फ्रॉक्स के डिज़ाइन गाड़ियाज जैसा कि नज़र आ रही हैं, वैसे ही आप लोग चाहें तो ख़ुद भी घर में स्टिच कर सकती हैं। इस टाइप के नेट फैब्रिक आप लोग मार्केट से इजीली बाय कर सकती हैं, और उसके अलावा इस टाइप के ड्रेसेस कराची में आप लोगों को मार्केट से भी मिल जाएंगे। कराची की जो मार्केट है लाइट हाउस, वहाँ से आप लोगों को इस टाइप के ड्रेसेस मिल जाएंगे फुल स्टिच हुए हुए। आप लोग चाहें तो इस टाइप की नेट होगी, फुल सेम इसी टाइप की नेट होंगी, तो आप लोग चाहें तो उन्हें कट आउट करके अपनी बेबीज़ के ड्रेसेस स्टिच कर सकती हैं, और उसके अलावा आप लोग चाहें तो अपने खुद के ड्रेसेस भी स्टिच कर सकती हैं। वहाँ से आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी वराइटीज़ मिलेंगी, आप लोग वहाँ से बहुत कुछ ले सकती हैं, और कटिंग और स्टिचिंग करके अपने और अपने बेबीज़ के पार्टी वेयर ड्रेसेस बना सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके व्यूअर्स, अल्लाह।